एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री आश्रम। आज हम पढ़ने वाले हैं एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। प्रीवियस वीडियो में हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर देखा था, आज हम देखेंगे एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। साथ ही साथ हम मोर्स पोटेंशियल कर्व को भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हॉट बैंड, फंडामेंटल बैंड एंड ओवरटोन बैंड का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे। मैंने आपको इनका जो कॉन्सेप्ट है, हॉट बैंड, फंडामेंटल बैंड एंड ओवरटोन्स, इनका कॉन्सेप्ट कैसे बनते हैं ये वो मैं प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ। आज हम लोग इनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं एन हार्मोनिक ऑसिलेटर से। एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्लियर? देखिए, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर होता क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई ए और बी दो एटम है, हालांकि इसको मैं प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन वापस एक बार देखना। मेरे पास माना कि दो एटम है ए और बी, और मैं इनको स्ट्रेच कर रही हूँ। बॉन्ड को मैं स्प्रिंग मानती हूँ हमेशा, और इनको मैं ये जो एटम्स है इनको स्ट्रेच कर रही हूँ। तो जितना मर्जी स्ट्रेच करो इनको, ये स्ट्रेच हो रहे हैं, और वापस हम इनको छोड़ते हैं, वो अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये तो जितना मर्जी इनको स्ट्रेच किया और वापस छोड़ने पर अपनी जगह पर आ गए, इनको बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्या बोलेंगे इनको? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। लेकिन अगर मान लीजिए इनको स्ट्रेच किया, ठीक है, एक लिमिट तक तो ये स्ट्रेच हुए, ठीक है, बट एक लिमिट के बाद अगर मान लीजिए दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो इसको बोलते हैं एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्या बोलते हैं? एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्लियर हो गई यहां तक बात, ठीक है? अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैं एक रबर बैंड का एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, रबर बैंड को मैं क्या करती हूँ, स्ट्रेच करती हूँ, ठीक है, स्ट्रेच हो जाती है, लेकिन फिर एक पॉइंट पर आने के बाद वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, तो वो एक तरह से एन हार्मोनिक ऑसिलेटर का एग्जांपल है, ठीक है। देखिए, जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर था मेरा, वो हमने हुक्स लॉ पर बेस्ड था, ठीक है, हुक्स लॉ पर बेस्ड था और हमने उसको हुक लॉ से रिलेट किया था, ठीक है। बट एन हार्मोनिक ऑसिलेटर हुक्स लॉ पर बेस्ड नहीं है, ठीक है, तो इसको हुक्स लॉ से हम मतलब रिलेट नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये एक साइंटिस्ट हुए थे, मोर्स नामक एक साइंटिस्ट हुए थे, मोर्स, ठीक है। इन्होंने 1929 में ये एक लॉ दिया था जो कि एम्पिरिकल लॉ था। हमने वहां देखा था हुक्स लॉ में कि वो भी एक एम्पिरिकल लॉ था। एम्पिरिकल लॉ का मतलब ये है कि ऐसे हवा में नहीं, कुछ ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखी, ठीक है, उनको यूज करके उसके बाद एन हार्मोनिक ऑसिलेटर उन्होंने डराइव किया, ठीक है, इसका मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो इसलिए एम्पिरिकल लॉ है, और किसने दिया था? मोर्स ने दिया था, हुक्स लॉ पर बेस नहीं है। एक लिमिट के बाद में ये इसका जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, मतलब एन हार्मोनिक ऑसिलेटर का, क्लियर। अब हम लोग देखेंगे मोर्स पोटेंशियल कर्व भी साथ साथ देखेंगे, ठीक है। और हाँ, एक चीज और, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का ग्राफ और एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मतलब मोर्स पोटेंशियल, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर का ग्राफ इसका मतलब है मोर्स पोटेंशियल ग्राफ, क्योंकि मोर्स ने दिया था ना इसलिए, क्लियर। तो दोनों को साथ साथ में मैं ड्रॉ करती हूँ, उसके बाद हम उसको कंपेयर करके चलते हैं, ठीक है। देखिए, ये मेरा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का ग्राफ बना रही हूं मैं, क्लियर। पोटेंशियल एनर्जी होती है इस साइड पे, और यहां पे होती है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये R0 मैंने माना था, क्योंकि मैं आपको इसको डायग्राम को मैं काफी पहले एक दो बार और प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ अच्छे से, ठीक है। आज बस दोनों में कंपैरिजन देखेंगे। इसमें हम देखते हैं कि V लेवल्स होते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल V इक्वल्स टू 0, V इक्वल्स टू 1, V इक्वल्स टू 2, V इक्वल्स टू 3, V इक्वल्स टू 4, ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है। R0 क्या है? R0 एक बार वापस देख लीजिए, A बॉन्ड B, ठीक है, जहां पर बॉन्ड बना हुआ है, जितनी दूरी पर बॉन्ड बना हुआ है वो दूरी कहलाती है R0। क्या कहलाती है? R0, ये R0, ठीक है, ये वाली मतलब जहां पे एनर्जी मिनिमम है, ठीक है। आपको पता है जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी मिनिमम हो जाती है कंपाउंड की, मॉलिक्यूल की, ठीक है, तो R0 ये है। और जब बॉन्ड को स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो वो R कहलाती है हमारी, ठीक है। ये R0, बाकी ये सारी, ये अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, इस डिस्टेंस की बात करूं, मैं यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस की बात करूं, तो ये सब R है ना। अब देखिए, एक चीज अगर आप देख रहे हैं, चलो पहले मोर्स पोटेंशियल कर्व देख लेते हैं। मोर्स पोटेंशियल कर्व इस टाइप का होता है,
यहां तक तो ये स्ट्रेच हो गया, लेकिन एक लिमिट के बाद वो स्ट्रेच नहीं हुआ और ब्रेक कर गया, तो यहां से ये ब्रेक कर गए, इसका मतलब ये ब्रेक कर गए हैं, ठीक है। जबकि यहां पर कितना ही स्ट्रेच कर लो ब्रेक नहीं करेगा, जबकि यहां पर एक लिमिट के आउट वो ब्रेक कर जाता है, तो ये इसलिए ये टेढ़ा ग्राफ, मतलब ये कॉन्स्टेंट आया है, इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर गया। क्लियर हो गई बात यहां तक। इसके भी वाइब्रेशनल लेवल होते हैं, वी इक्वल टू जीरो, वी इक्वल टू वन, वी इक्वल टू टू, वी इक्वल टू थ्री, वी इक्वल टू फोर, वी इक्वल टू फाइव, ठीक है। ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल इसके बनाए मैंने, और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल इसके बनाए। अब आप एक चीज देख रहे हो यहां पर कि यहां पर मैंने जितने भी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल बनाए उनके बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो सेम है, देखो सेम स्पेसिंग रखा है मैंने यहां पर। जितना स्पेस जीरो से वन में उतना ही स्पेस वन से टू, उतना ही स्पेस टू से थ्री, और उतना ही थ्री से फोर में। जबकि आप यहां पर देख रहे हो कि मैं देखो स्पेस को कम करती चल रही हूं, ये देखो स्पेस और कम होगी, फिर टू से थ्री में जाएंगे तो स्पेस और कम होगी, थ्री से फोर में स्पेस और कम होगी, फोर से फाइव में स्पेस और भी कम होगी। तो यहां पर आप देख रहे हो कि कॉन्टिन्यूसली स्पेसिंग डिक्रीज हो रही है, जबकि यहां पर स्पेसिंग जो है वो कॉन्स्टेंट है, स्पेसिंग इक्वल है ना। ऐसा क्यों हुआ है, देखिए जब मैंने आपको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको एनर्जी डिफरेंस बताया था लेवल्स के बीच का, किसके लेवल के बीच का एनर्जी डिफरेंस, जीरो से वन का, वन से टू का, टू से थ्री का, थ्री से फोर का। जब मैंने एनर्जी डिफरेंस आपको बताया था तो सबका सिमिलर आया था, और आपको याद होगा तो ओमेगा बार आया था सबका, ओमेगा बार सबका हमारा क्या आया था, लेवल डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस आया था, ठीक है, सबका ओमेगा बार आया था, ठीक है। तो आंसर जब जीरो से वन में डिफरेंस ओमेगा बार है, वन से टू में ओमेगा बार है, ठीक है, तो सब में डिफरेंस बराबर है, तो हमको ऑब्वियसली हमें ये स्पेसिंग इक्वली रखनी है, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिकल में क्या है, ये स्पेसिंग इक्वली आई, ओमेगा बार ही आया था, ठीक है। जबकि यहां पे जब हम आगे इसको करेंगे सॉल्व करेंगे, जब आगे और समझाऊंगी, अभी देखो यहां पर क्या होता है कि जब जीरो से वन का एनर्जी गैप निकालते हैं, वन से टू का एनर्जी गैप निकालते हैं, टू से थ्री का एनर्जी गैप निकालते हैं, तो वो इक्वल नहीं आता है, ठीक है। यहां तो सबका इक्वल आया था इसलिए हमने सेम स्पेसिंग रखी, इक्वल नहीं आया इस वजह से हमको स्पेसिंग कम रखनी पड़ी, डिक्रीज करनी पड़ी। अगर आप दिमाग में, मतलब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि आपने डिक्रीज ही क्यों करी, इंक्रीज क्यों नहीं करी, ठीक है, वो आगे जाके और क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी मैं इतना बता देती हूँ कि हमारी जो वैल्यू है जब आगे जीरो से वन एनर्जी लेवल, वन से टू, टू से थ्री, थ्री से फोर जब जाते हैं तो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो नेगेटिव में बढ़ता है, ठीक है, नेगेटिव में बढ़ता है, नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाती है, इसलिए हमारा स्पेसिंग डिक्रीज हो रहा है। अगर पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती जाती तो स्पेसिंग इंक्रीज हो रहा होता हमारा, लेकिन नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी हमारी, आगे देखेंगे हम, तो स्पेसिंग हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जबकि हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा में देखते हैं तो वहां हमारी स्पेसिंग कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती जाती है। यहां तक क्लियर हो गई बात, सबको समझ में आ गया। तो ये है कि यहां पर स्पेसिंग डिक्रीज इसलिए हुई क्योंकि वही पोटेंशियल एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में ये ग्राफ है, ये आर जीरो है, बिल्कुल मिड में, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूसली स्पेसिंग को मैंने डिक्रीज किया बिकॉज मेरी बाद में हम देखेंगे कि जो एनर्जी डिफरेंस है वो डिक्रीज करते जा रहा है ना, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जा रही है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब देखो, अब एक चीज ग्राफ में देखो, और देखो आप लोग कि मैंने, आप लोग दिमाग में आ रहा है कि मैंने बी इक्वल टू जीरो यहां क्यों नहीं रखा, v इक्वल टू जीरो, v वन, v टू, v थ्री, v फोर, v फाइव, ठीक है, मैंने v इक्वल टू जीरो यहीं से क्यों लिया है, ठीक है। अगर मैं v इक्वल टू जीरो यहां से लेती, v इक्वल टू जीरो वन टू, अगर मैं v इक्वल टू जीरो यहां से ऐसे इसी में v इक्वल टू जीरो यहां से लेती, इसका मतलब v इक्वल टू जीरो यानी v इक्वल टू जीरो पर एनर्जी लेवल, एनर्जी क्या होती मेरी, जीरो होती, ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज ये v इक्वल टू जीरो है, ये लेवल है, यहां पे भी जीरो लेवल पे वन टू थ्री फोर ऐसे, तो यहां पे इसका मतलब क्या है, v इक्वल टू जीरो पर एनर्जी क्या होगी मेरी, जीरो होगी, एनर्जी जीरो होगी, ठीक है। जबकि आपने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में देखा है कि जीरो पॉइंट एनर्जी देखी थी, यानी कि जीरो पॉइंट एनर्जी क्या थी मेरी, कि यानी कि v इक्वल टू जीरो वाइब्रेशनल लेवल जब जीरो होते हैं तब भी मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ एनर्जी रखता है, जिसे क्या बोलते हैं, जीरो पॉइंट एनर्जी, क्या बोलते हैं, जीरो पॉइंट एनर्जी। निकाली थी ना हमने वहां पे, हमने बोला था कि, फिर हमने जीरो पॉइंट एनर्जी के बारे में बताया था कि मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ एनर्जी रखता ही रखता है, ठीक है, चाहे वाइब्रेशनल लेवल जीरो ही क्यों ना हो।
तो यहाँ पे वाइब्रेशन लेवल जीरो है इस जगह, तब भी कुछ ना कुछ एनर्जी, कितनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी, ये एनर्जी, इतनी एनर्जी है वाइब्रेशन लेवल जीरो पर भी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी है, जिसको बोलते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी। क्या बोलते हैं? जीरो पॉइंट एनर्जी। और आपको याद होगा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में वो जीरो पॉइंट एनर्जी मेरी कितनी आई थी, मैं बात करूं तो जीरो पॉइंट एनर्जी ई जीरो, मैंने जीरो लगाया, इसका मतलब वाइब्रेशनल लेवल क्या है, जीरो है, और ई जीरो मेरी आई थी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में हाफ एच, हाफ एच न्यू। ठीक है, अगर मान लो जूल की बात करते हैं और सेंटीमीटर इनवर्स की बात करते हैं तो एप्साइलन जीरो हो गया है हाफ ओमेगा बार सेंटीमीटर इनवर्स, ये मेरी जीरो पॉइंट एनर्जी आएगी, यानी कि ये जो इसका जो मान है वो कितना है, ई जीरो हाफ एच न्यू जूल क्या। देखिए यहां पर देखिए ये जो है वो ग्राफ की डेप्थ है, डेप्थ ग्राफ की गहराई है, डेप्थ है। ठीक है, और इसको बोलते हैं डीई, डीई मीन्स डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, ये मेरी डिसोसिएशन एनर्जी है डीई। डीई डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है, जब मैं यहां पूरा डेप्थ लेती हूँ उसको बोलते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, अब देखिए ये मेरी क्या है, जीरो पॉइंट एनर्जी, ये मेरी क्या है, जीरो पॉइंट एनर्जी, जीरो पॉइंट एनर्जी। ठीक है, वाइब्रेशन लेवल जीरो से नीचे। अब सुनिए ये जो है वाइब्रेशन लेवल जीरो यहां से और डेप्थ ये, मतलब यहां तक की जो ये है वो डीओ कहलाती है। ठीक है, ये यहां से जब वाइब्रेशन लेवल जीरो है, ये वाइब्रेशन लेवल जीरो और यहां तक की दूरी क्या कहलाती है, डीओ, और ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, डीई। ठीक है, डीओ क्या है, यहां पर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, डिटरमाइंड डिसोसिएशन एनर्जी। डीओ क्या है यहां पर मेरा, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड डिसोसिएशन एनर्जी। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो ऐसे देखिए, मान लीजिए ए और बी है, मान लीजिए ए और बी की एनर्जी फाइव है, फाइव है, ए और बी की एनर्जी कितनी है फाइव, और इसकी बॉन्ड की एनर्जी कितनी है 60 किलो कैलोरी पर मोल, टोटल कितनी होगी 65। तो क्या होता है, आप सोचोगे कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी 65 चाहिए, टोटल एनर्जी कितनी है इनकी 65, तो टोटल एनर्जी कितनी चाहिए इसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 65। ठीक है, पर नहीं, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 65 एनर्जी नहीं चाहिए, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए केवल 60 एनर्जी ही चाहिए, क्योंकि 5 किलो कैलोरी पर मोल तो इनकी ऊर्जा है जो बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद भी रहेगी। ठीक है, ये बॉन्ड जब ब्रेक कर जाएगा उसके बाद भी ये 5 किलो कैलोरी पर मोल तो इनकी रहेगी रहेगी। ठीक है, तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 65 में कितनी चाहिए, एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली कितनी चाहिए 60, और वैसे दिमाग लगा हम सोचे तो कितनी चाहिए 65 चाहिए कि ठीक है बॉन्ड को ब्रेक 5 इनकी 60 की, बॉन्ड को ब्रेक करने की 65 एनर्जी चाहिए, बट नहीं, एक्सपेरिमेंटली कितनी चाहिए 60, क्योंकि 5 तो इनकी 0 पॉइंट एनर्जी है ही। ठीक है, तो डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, पूरा का पूरा 0 पॉइंट एनर्जी को मिलाकर उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी है वो है, जबकि डीओ क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, कि हम एक्सपेरिमेंटली क्या देखते हैं कि 0 पॉइंट एनर्जी तो रहेगी वो खुद की मॉलिक्यूल की, वो तो ब्रेक करने के बाद भी रहेगी, तो 0 पॉइंट एनर्जी को हटा के ठीक है उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो क्या कहलाएगी, डीओ। तो मैं कह सकती हूँ कि डी इक्वल टू क्या हो गया, डी इक्वल टू क्या हो गया, डीओ प्लस 0 पॉइंट एनर्जी, 0 पॉइंट एनर्जी, 0 पॉइंट एनर्जी। अब 0 पॉइंट एनर्जी कितनी है, हाफ एच न्यू जूल के अंदर और ओमेगा बार सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, हाफ ओमेगा बार, तो डीई डी 0 प्लस अगर हाफ एच न्यू जूल की बात करूं तो क्लियर, और अगर सेंटीमीटर इनवर्स की बात करूं तो डी 0 प्लस हाफ ओमेगा बार सेंटीमीटर इनवर्स, ये मेरी डीई निकल कर आएगी सामने। ठीक है, डिसोसिएशन एनर्जी, तो डेप्थ भी यही है, डीई भी, डीओ एक्सपेरिमेंट की जो डिटरमाइंड एनर्जी है वो क्या है मेरी, और इसमें से 0.2 घटा दो, आई बात समझ में आता है। ठीक है, अब इसको बोलते हैं मोर्स पोटेंशियल कर्व, इसको क्या बोलते हैं, मोर्स पोटेंशियल कर्व, और इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब सुनिए जिस तरह से हमने जब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा था, ठीक है, तो वहां हमने उसको क्वांटम केमिस्ट्री से क्या किया था, एक तरह से
रिलेट किया था क्वांटम श्रोडिंगर इक्वेशन से। हम लोग एक फॉर्मूला लेकर के आए थे, ठीक है, हमें लेकर नहीं आना, डायरेक्टली हमें यूज करना है उसको, नो नीड कि आप पूरा उसको डिराइव करो, ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना। तो इसी तरह हम एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए भी श्रोडिंगर इक्वेशन से एक फॉर्मूला हमने डायरेक्टली उठाया है। वो फॉर्मूला क्या है अगर आपको याद हो, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए क्या आया था, अगर याद हो तो दिमाग में लगाओ क्या था फॉर्मूला। एनर्जी निकालनी है मुझे। अब क्या करना है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से को यूज करते हुए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज करते हुए मुझे हर एनर्जी लेवल की एनर्जी पता करनी है, हर एनर्जी लेवल की एनर्जी, कि इस एनर्जी लेवल की एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी क्या होगी, हर एनर्जी लेवल की एनर्जी मुझे पता करनी है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज करते हुए। तो वो आएगी मेरी ई, अगर जूल के अंदर लिखो तो ई, और अगर सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर लिखो तो एप्साइलन। क्लियर। अब देखिए तो वहां पर क्या था, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में हाफ एच ओ सॉरी वी प्लस हाफ, ठीक है, जूल के अंदर तो एच न्यू था मेरा, एच न्यू, ठीक है, जूल के अंदर, और एप्सिलॉन के अंदर वी प्लस हाफ ओमेगा बार सेंटीमीटर इनवर्स, यही था मेरा, ठीक है। अब मुझे निकालना है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, मुझे निकालना है एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, तो थोड़ा सा चेंज है, माइनस वी प्लस हाफ का होल स्क्वायर, ये तो रखना ही रखना है जो सिंपल हार्मोनिक में था, v प्लस हाफ एच न्यू माइनस वी प्लस हाफ का स्क्वायर एच न्यू एच सी। क्लियर। और अगर सेंटीमीटर इनवर्स की बात करें तो माइनस v प्लस हाफ का होल स्क्वायर है ना ओमेगा बार ई एक्स ई, ओमेगा बार के नीचे ई लगा दो, इसका मतलब मैंने डिफरेंशिएट कर लिया है कि अगर ओमेगा बार के नीचे ओ एस सी ऑसिलेटर, ओ एस सी लगा हुआ वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, अगर ओमेगा बार के नीचे ई लगा होगा तो मतलब एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। क्लियर होगी बात। तो ये मेरा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज करके डायरेक्ट फॉर्मूला मुझे याद करना है, एप्सिलॉन इक्वल्स टू वी प्लस हाफ ओमेगा बार ई माइनस वी वी प्लस हाफ का होल स्क्वायर ओमेगा बार ई एक्स ई। अब यहां पर एक्स ई क्या है, एन हार्मोनिसिटी कॉन्स्टेंट, एक्स ई क्या है, एन हार्मोनिसिटी कॉन्स्टेंट। देखिए अब ये एन हार्मोनिसिटी कॉन्स्टेंट क्या होता है, देखिए एन हार्मोनिसिटी कॉन्स्टेंट होता है जैसे मैंने बॉन्ड को स्ट्रेच किया, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में जब मैं बॉन्ड को स्ट्रेच करती हूं तो एक लिमिट तक वो स्ट्रेच होता है, उसके बाद बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, तो वो उसकी जो लिमिटेशन क्या है, स्ट्रेच मतलब मैं किस हद तक उस बॉन्ड को स्ट्रेच कर सकती हूँ, वो मेरी कहलाती है एन हार्मोनिसिटी, कि किस हद तक वो बॉन्ड में स्ट्रेच कर पाऊंगी वो एन हार्मोनिसिटी कहलाती है। और इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती है, वेरी लो बट पॉजिटिव, वेरी लो बट पॉजिटिव, और प्लस 0.01 के इक्वल, प्लस 0.01 के समथिंग होती आती है वैल्यू। अगर आपके पास न्यूमेरिकल आते हैं तो 0.01 से आप रख के देख लेना या 1 से रख के देख लेना, आंसर आ जाएगा। पहले 1 से रख के देख लेना, 1 में तो आपको कुछ करना ही है, एज इट इज वैल्यू लगा के देनी है, और फिर अगर आंसर नहीं आ रहा तो 0.01 को भी रख के देख सकते हैं, ठीक है। तो एन हार्मोनिसिटी कॉन्स्टेंट भी पॉजिटिव होता है, उसकी जो वैल्यू होती है बहुत ही कम होती है। और अगर इसका फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला इसका होता है ओमेगा बार अपॉन 4 इंटू डी ई, या मैं न्यू बार भी कर सकती हूँ, उसको न्यू बार ओमेगा बार को मैं न्यू बार लिख सकती हूँ, 4 इंटू हटाओ 4 डी लिख दो डायरेक्टली 4 डी ई, डी डिसोसिएशन एनर्जी है, ओमेगा बार आप जानते हो वेव नंबर है, ठीक है, और एक्स ई एन हार्मोनिसिटी कॉन्स्टेंट। इससे भी आप अगर आपको न्यूमेरिकल वगैरह कुछ आपको पूछ ले कर ले तो इससे भी आप निकाल सकते हो, आई बात समझ में। तो ये एक्स ई का फॉर्मूला है, इसकी कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। हर एनर्जी लेवल की एनर्जी में इसे देख सकती हूँ। अब मैं देखती हूँ सबसे पहले वी बराबर जीरो की एनर्जी लेवल ही देख लेती हूँ, उसको बोलेंगे जीरो पॉइंट एनर्जी। क्या बोलोगे, जीरो पॉइंट एनर्जी, ठीक है। जब मॉलिक्यूल जीरो लेवल पर होता है तब उसकी एनर्जी, तब भी उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, तभी वो वाइब्रेट करता रहता है, चाहे धीरे ही वाइब्रेट करे, उसको बोलते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी। डेल्टा ही नहीं, एनर्जी डिफरेंस नहीं, मैं सबसे पहले जीरो पॉइंट एनर्जी निकालती हूँ, जीरो पॉइंट एनर्जी, यानी कि v इक्वल टू जीरो पर, एट v इक्वल टू जीरो, तो मैं क्या करूंगी, एप्सिलॉन जीरो प्लस हाफ कर दूंगी, तो हाफ ओमेगा बार e माइनस 1/4 ओमेगा बार e x e,
ये मेरी क्या आ गई E zero, zero point energy आ गई, क्या आ गई ये मेरी zero point energy, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, ओमेगा वाली को कॉमन ले लो इनमें, मतलब एलसीएम लेकर आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, पर ये जीरो पॉइंट एनर्जी है, सॉल्व आप कर देना अगर एग्जाम में है, ठीक है। ये मेरी क्या है जीरो पॉइंट एनर्जी, ठीक है। अब क्या देखूंगी मैं, डिफरेंस देखूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिफरेंस इसको साफ कर दूं, सबसे पहले मैं डिफरेंस देखती हूं जब एनर्जी डेल्टा ई देखती हूं व्हेन वी जीरो से वन लेवल पर चला गया मॉलिक्यूल, इस लेवल से जब इस लेवल पर गया है जीरो से वन लेवल पर, तो मैं उसमें एनर्जी डिफरेंस देखती हूँ कितना एनर्जी डिफरेंस हुआ। तो मैं क्या करूंगी ई टू माइनस ई वन, ई टू माइनस ई वन कर दूंगी, ई की वैल्यू मेरे पास है ये, तो देखो लिख के देखते हैं। सबसे पहले ई टू कितना है मेरे पास, जब वाइब्रेशन लेवल वन पे है तो यहां पे वन रख के देखो, वन प्लस हाफ ओमेगा बार ई माइनस वन प्लस हाफ का होल स्क्वायर ओमेगा बार ई एक्सी माइनस हाफ ओमेगा बार ई, हाफ ओमेगा बार ई माइनस वन बाय फोर ओमेगा बार ई एक्सी, ठीक है। अब क्या होगा, वन वन प्लस वन बाय टू जोड़ो कितना आया, थ्री बाय टू ओमेगा बार ई माइनस थ्री बाय टू आया, तो उसका मल्टी मतलब उसका जस्ट डबल कर दो उसका, नाइन बाय फोर ओमेगा बार ई एक्सी माइनस हाफ माइनस हाफ ओमेगा बार ई माइनस माइनस क्या हो गया प्लस वन बाय फोर ओमेगा बार ई एक्सी। कुछ नहीं किया मैंने, केवल वाइब्रेशन लेवल बी की वैल्यू रख दी, पहले पहले तो वन रख दिया, उसके बाद माइनस करके जीरो जीरो रख दी, क्लियर। अब मैं क्या करूंगी ओमेगा बार ई की टर्म्स को एक साथ लिख दूंगी, ओमेगा बार ई एक्सी की टर्म्स को एक साथ, देखिए थ्री बाय टू ओमेगा बार ई है ना माइनस वन बाय टू ओमेगा बार ई प्लस वन बाय फोर ओमेगा बार ई एक्स ई माइनस नाइन बाय फोर ओमेगा बार ई एक्स ई, देखिए थ्री बाय टू ओमेगा बार ई माइनस वन बाय टू ओमेगा बार ई, इसको जब मैं सॉल्व करते तो टू बाय टू आता है, और टू बाय टू मतलब कट गया वन, तो ये तो खाली रह जाएगा मेरे ओमेगा बार ई माइनस, जब नाइन बाई फोर और वन बाई फोर को जोड़ती हूँ तो मेरा आएगा एट, मतलब इन दोनों को जोड़ती हूँ मेरा आएगा एट बाई फोर, एट बाई फोर का मतलब टू, तो ये क्या आएगा मेरा माइनस टू ओमेगा बार ई एक्स ई, ओमेगा बार ई को मैं कॉमन ले रही हूँ तो वन बचा यहां, तो वन माइनस टू एक्स ई ओमेगा बार ई, ये मेरा एनर्जी डिफरेंस आया डेल्टा ई जब वाइब्रेशन लेवल जीरो से वन तक जाते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई, मैं इसको यहां लिख रही हूं डेल्टा ई कब है, जब वी इक्वल्स टू जीरो से कहां गया वन में गया, क्या मेरा आंसर आया डेल्टा ई क्या आया वन माइनस टू एक्स ई, वन माइनस टू एक्स ई ओमेगा बार ई, ये मेरा आंसर आया, ठीक है। इसको बोलते हैं फंडामेंटल ट्रांजिशन, क्या बोलते हैं इसको फंडामेंटल बैंड या फंडामेंटल ट्रांजिशंस, फंडामेंटल ट्रांजिशंस, ठीक है। अब देखिए आगे मैं क्या कर रही हूं, अभी मैंने जीरो से वन में भेजा, ठीक है। अभी इससे पहले एक चीज और बता दूं, उससे पहले सिलेक्शन रूल देख लीजिएगा, सिलेक्शन रूल क्या होगा देखिए, सिलेक्शन रूल, सिलेक्शन रूल का मतलब है कि कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल है और कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, मतलब जो मॉलिक्यूल है वो कहां से कहां तक जा सकता है और कहां से कहां पर नहीं जा सकता। अगर मैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रही हूं SHO की, तो वहां पे मेरा सिलेक्शन रूल होता है डेल्टा वी इक्वल टू प्लस माइनस वन, यानी कि केवल या तो एक ऊपर जा सकता है एक नीचे। अगर मैं सीढ़ी चढ़ू तो सीढ़ी मतलब एक ऐसा नहीं कि मैं सीढ़ी जंप कर दी बीच में फलांग लगा दी छलांग लगा गई फलांग लगा दी, ठीक है। मैं क्या करूंगी जीरो से वन पे, मतलब वन से सीढ़ी से टू सीढ़ी पर जाऊंगी, टू से थ्री पर, उसी तरह यहाँ पर जब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल जीरो से वन में जाएगा पहले, फिर वन से टू में जाएगा। अगर मैं कहूं कि मुझे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में वन से फोर तक जाना है, कहां तक जाना है, तो वन से फोर पर मॉलिक्यूल सीधा नहीं जाकर पहले वन से टू में जाएगा, फिर टू से थ्री में जाएगा, फिर थ्री से फोर में जाएगा। आई बात समझ में आता, यानी कि स्टेप बाय स्टेप चलेगा। इसको बोलते हैं डेल्टा वी इक्वल टू प्लस माइनस वन, माइनस वन का मतलब अगर इसको नीचे आना होगा तो भी वन बाय वन करके आएगा स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली छलांग लगा के नीचे आ जाए। आई बात समझ में, तो डेल्टा वी इक्वल टू प्लस माइनस वन ही केवल अलाउड है, बाकी ट्रांजिशन कैसे है फॉरबिडन है। यहां तक क्लियर होगी बात आपको। अब अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें,
तो उसके लिए सिलेक्शन रूल होता है प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फोर एंड सो ऑन। यानी कि यहां से यहां पे भी जा सकता है, यहां से सीधा वहां भी जा सकता है, यहां से सीधा वहां भी जा सकता है, यहां से सीधा यहां भी जा सकता है, या वन से सीधा यहां भी जा सकता है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई यहां तक? तो सिलेक्शन रूल्स की बात हो गई, दोनों का आप कंपैरिजन कर लो, याद रह जाएगा। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में ओनली प्लस माइनस वन है, जबकि एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री एंड सो ऑन। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलो इतना समझ आ गया ना। अब देखिए सिलेक्शन रूल के बाद हम लोग देखते हैं, मैंने आपको एनर्जी डिफरेंस बता दिया वी जीरो से वी वन का। अब देखते हैं, अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल वी जीरो से वी टू में जा रहा है, वी जीरो से वी वन में भेजा था, अब वी जीरो से वी टू में भेजा है, क्योंकि सिलेक्शन रूल कहता है कि प्लस माइनस टू भी हो सकता है। ठीक है, तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? डेल्टा ई इक्वल्स टू वन माइनस थ्री एक्सी, वन माइनस थ्री एक्सी टू ओमेगा बार ई, वन माइनस थ्री एक्सी टू ओमेगा बार ई। करेंगे फर्स्ट ओवरटोन, सो क्या बोलोगे? फर्स्ट ओवरटोन, ये ओवरटोन से जब जीरो से वन में मॉलिक्यूल जाता है तो उसको फंडामेंटल बैंड बोलते हैं। फंडा मतलब बेसिक से बिल्कुल, जब बेसिक से बिल्कुल ऊपर जाता है वन में तो उसको फंडामेंटल बैंड, जब जीरो से टू में गया, जीरो से थ्री में गया, जीरो से फोर में गया, जीरो से फाइव में गया, जीरो से याद रखना, जीरो से, जीरो से टू, जीरो से थ्री, जीरो से फोर, तो ओवरटोन्स आते हैं हमारे, क्या आते हैं? ओवरटोन्स। अब मैं बी जीरो से थ्री तक भेज रही हूं, ठीक है, तो डेल्टा ई वन माइनस फोर एक्सी थ्री ओमेगा बार ई। अब आप सोचोगे कैसे, अभी तो बहुत, अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत सारा सॉल्व करके निकाला था, डायरेक्टली कैसे लिख रहे? देखो आपको इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में कि आप सॉल्व करोगे उसको, याद रखना आप एक याद रखना वन माइनस टू एक्सी ओमेगा बार ई। अब देखिए आप कैसे करोगे, एक एक बढ़ाते चलिए, तो अगर बी जीरो से टू में जा रहे हैं, ठीक है, तो वन माइनस टू की जगह थ्री कर दो, थ्री एक्सी और वन ओमेगा ई, टू टू कर दो, टू ओमेगा बार ई। क्लियर? नेक्स्ट जीरो से थ्री में जाना है तो फिर एक बढ़ा दो, वन माइनस थ्री की जगह फोर एक्सी और टू की जगह थ्री। इस तरह से याद रख लेना आप, ठीक है, फंडामेंटल का याद कर लेना, ओवरटोन्स अपने आप हो जाएंगे। इसी तरह वी जीरो से वी फोर होगा तो डेल्टा ई इक्वल्स टू वन माइनस फाइव एक्सी फोर ओमेगा बार ई। ये सेकेंड ओवरटोन है, ये थर्ड ओवरटोन है, तो जब जीरो से टू, जीरो से थ्री, जीरो से फोर यहां पर जब जाते हैं तो ओवरटोन्स आते हैं। अब सुनो, फंडामेंटल बैंड की इंटेंसिटी बहुत ही हाई होती है, हायर इंटेंसिटी होती है। कैसी इंटेंसिटी होती है? हायर इंटेंसिटी, जबकि इनकी ओवरटोन्स की जो इंटेंसिटी होती है वो लोअर होती है। कैसी होती है? लोअर होती है। अब क्यों होती है लोअर? देखिए अब सोचिए आप लोग, यहां पे देखो, मान लीजिए मैं लेवल्स बना रही हूं वी जीरो, वी वन और वी टू, और यहां पे मैंने लेवल्स बनाए वी जीरो, वी वन और वी टू। देखिए अब आप देखो कि मॉलिक्यूल्स की खुद की एनर्जी बहुत कम होती है, ठीक है, यानी कि वो लोअर वाइब्रेशन इस v बराबर जीरो पर ही रहेंगे, ठीक है। v इक्वल टू वन पर कब जाएंगे? ठीक है, जब उनको बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी? बहुत सारी एनर्जी मिलेगी, तब जाकर के वो यहां से यहां, मॉलिक्यूल्स को इतनी ही एनर्जी मिल पाती है कि वो v जीरो से v वन तक ही कूद पाए, v जीरो से v टू तक या v जीरो से v थ्री तक नहीं जा पाते, इतनी एनर्जी उनको नहीं मिल पाती, बस इतनी एनर्जी मिल पाती कि जीरो से वन तक वो जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए फंडामेंटल बैंड की इंटेंसिटी हायर होती है और ये जो तुम्हारे ओवरटोन्स हैं इनकी इंटेंसिटी कम होती है। हाँ, अगर ज्यादा इनको ताप दे दिया, टेम्परेचर ज्यादा दे, एनर्जी ज्यादा दे, तो हाँ जो हमारे ओवरटोन्स हैं उनकी इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी? हायर हो जाएगी। याद तक बात समझ में आ गई? अब देखिए, अब आप देखिए, याद तक समझ में आ गया ओवरटोन्स की इंटेंसिटी लोअर और फंडामेंटल बैंड की इंटेंसिटी हायर। अब मैं बताती हूँ हॉट बैंड क्या होता है, ठीक है। हॉट बैंड देखिए, हॉट बैंड जैसे कि नाम से हमारा स्पष्ट हो रहा है, हॉट बैंड, हॉट बैंड मतलब इसमें टेम्परेचर इन्वॉल्व है, टेम्परेचर इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं टेम्परेचर इन्वॉल्व है, ठीक है, टेम्परेचर से रिलेट किया है हॉट बैंड को। तो हॉट बैंड कब होगा? जब वी वन से वी टू वाइब्रेशन एनर्जी लेवल पर जाएगा तभी हॉट बैंड होगा, वी वन से और वी टू तक। कहां से? वी वन से और वी टू तक, ठीक है। तो कब क्या कौन सा बैंड आएगा मेरा? हॉट बैंड आएगा, जब मॉलिक्यूल वी वन से वी टू तक जाएगा तो मेरा आएगा हॉट बैंड। और इसकी डेल्टा ई कितनी आएगी? देखो वन माइनस, याद करने की जरूरत नहीं है, टू की जगह फोर हो जाएगा, वन माइनस फोर एक्स ई ओमेगा बार ई, इतनी आएगी डेल्टा ई।
कि जो वैल्यू है वो कितने हैं, 1 माइनस 4 एक्स ओमेगा बार ई। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो, अब सुनिए आप लोग कि देखो ये जो तुम्हारा हॉट बैंड है और फंडामेंटल बैंड है वो लगभग एक जैसा है। ओवर टू से लगती वहां पर 2 ओमेगा बार ई आ रहा था, 3 ओमेगा बार ई, 4 ओमेगा बार ई आ रहा था, लेकिन ये दोनों सिर्फ एक जैसे है। यहां पर बस एक्स में 2 है और यहां पर 4 है, दोनों एक जैसे। तो फंडामेंटल बैंड और हॉट बैंड को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो रिकॉग्नाइज करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, कि कौन सा हॉट बैंड है कौन सा फंडामेंटल बैंड है। तो उसकी एक तरीका देखिए आप लोग, देखिए टेम्परेचर इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो टेम्परेचर को जब बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को जब इंक्रीज करोगे, तो हॉट बैंड की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। और फंडामेंटल बैंड की इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। कैसे? सुनिए, देखिए मैं लेवल्स बना लू, v = 0, v = 1, v = 2। अब सुनिए, नॉर्मली मॉलिक्यूल ग्राउंड लेवल पे रहते हैं और ग्राउंड लेवल में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल की एनर्जी मिनिमम होती है और एनर्जी मिनिमम होती है तो उसको स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है उसकी, ठीक है। तो नॉर्मली मॉलिक्यूल्स यहां है, ठीक है। अब जैसे मैंने इनको एनर्जी दी, ये V0 से V1 में पहुंच गई, ठीक है, और मुझे मिला फंडामेंटल बैंड, ठीक है। नॉर्मली मेरे मॉलिक्यूल है यही है और V1 पर बहुत कम मॉलिक्यूल रहते हैं, 3 मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो जब मैं इसको एनर्जी दूंगी तो यहां बहुत सारे मॉलिक्यूल, पॉपुलेशन यहां ज्यादा है, तो यहां से मॉलिक्यूल उठकर यहां जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, जबकि मॉलिक्यूल यहां से उठकर यहां भी जा सकते हैं, पर पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि यहां पर मॉलिक्यूल्स कम है, यहां पर मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं। तो मॉलिक्यूल्स बहुत सारे तो पॉसिबिलिटी ये ज्यादा होगी, 0 से 1 में ज्यादा मॉलिक्यूल आएंगे बजाय 1 से 2 के, ठीक है। तो इंटेंसिटी हायर होगी फंडामेंटल बैंड की, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ज्यादा है ग्राउंड लेवल पे। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर टेम्परेचर दे दिया। अब ये मॉलिक्यूल्स जो थे यहाँ ग्राउंड लेवल में, वो उठ करके टेम्परेचर को गेन करके उठ करके यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे। क्यों आ गए? क्योंकि मैंने टेम्परेचर दिया इसको, टेम्परेचर दिया तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज होगी, इंक्रीज करी एनर्जी तो यहाँ उठ करके आ गई। अब मैं इसको आईआर रेडिएशन दी मैंने इसको, ठीक है। यहाँ पे मैंने आईआर रेडिएशन दी, जब मैंने आईआर रेडिएशन दी तो क्या था, यहां पर मॉलिक्यूल ज्यादा थे, यहां पर मॉलिक्यूल कम थे, तो यहां से मॉलिक्यूल कम ऊपर गए, यहां से मॉलिक्यूल ज्यादा, तो फंडामेंटल बैंड ज्यादा मिले। अब जब मैंने इसको आईआर रेडिएशन दी तो क्या हुआ, जब मैंने इसको आईआर रेडिएशन दी तो यहां पर मॉलिक्यूल ही नहीं है, या एक या दो तीन मॉलिक्यूल मान लो, जबकि यहां पर मॉलिक्यूल ज्यादा है, क्योंकि मैंने उसके टेम्परेचर इंक्रीज कर रखा है, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से उठ करके एक्साइटेड स्टेट में आ गए, 1 लेवल पे आ गए। तो अब जब मैं इसको आईआर रेडिएशन दूंगी तो पॉसिबिलिटी ये ज्यादा है कि हॉट बैंड ज्यादा मिलेगा, क्योंकि V1 पर मॉलिक्यूल है सारे के सारे और तुरंत V1 से कहां चल जाएंगे, V2 पर, जबकि फंडामेंटल बैंड मॉलिक्यूल फंडामेंटल बैंड की इंटेंसिटी कम होगी, क्योंकि यहां पर मॉलिक्यूल्स ही कम है मेरे, क्योंकि मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रखा है। तो जब टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगी तो हॉट बैंड की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, और टेम्परेचर को मतलब कम करूंगी, सॉरी उल्टा बोल दिया, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगी तो हॉट बैंड की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, और जब टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगी तो फंडामेंटल बैंड की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो वैसे नॉर्मली ये इंटेंसिटी आती है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता हॉट बैंड फंडामेंटल बैंड में, ठीक है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज किया, ये जो हॉट बैंड है मेरा, इसकी इंटेंसिटी अचानक से इंक्रीज हो जाती है। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमारा फंडामेंटल हॉट बैंड, ठीक है, और ओवरटोन्स इनकी एनर्जी डिफरेंस था, और मेरा मोर्स पोटेंशियल कर्व, ठीक है, और यही एनहार्मोनिक कांस्टेंट है। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो उसको लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।